झुंझुनू जिले में 1107 करोड़ का निवेश किया जाएगा। जिले में 7000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिले के औद्योगिक विकास के लिए उद्योगपति आगे आए हैं। सांसद नरेंद्र कुमार व जिला कलेक्टर यूडी खान तथा पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा की मौजूदगी में पहली बार 45 औद्योगिक कंपनियों के साथ MOU किया गया है। जिला उद्योग केंद्र तथा रिको इकाई के जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया। निर्देश पर झुंझुनू जिले में आज इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई है, जिसमें करीब 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। बाकायदा यहाँ पधारे हुए जो अन्य प्रांतों से, अन्य ज़िलों से और झुंझुनू ज़िले से पधारे हुए व्यक्तियों में काफ़ी उत्साह है। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि झुंझुनू ज़िले में आगे आने वाले पीरियड में काफ़ी कुछ विकास होगा। 3-4 नए इंडस्ट्रियल टाउन हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें खेतड़ी में बबई है, मलसीसर है और इसी तरह से उदयपुर वाटी है। और 4 हमारे इंडस्ट्रियल जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है पहले से हैं, तो एक बड़ा चंक हमें लैंड के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। सरप्लस स्टेट बाकायदा बिजली से संबंधित है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उपलब्ध है, रोड साइड और रोड हमारे यहाँ नए नए डेवलप हो रहे हैं। तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, सबको ये आग्रह किया है कि यहाँ पर दिल खोल कर पैसा लगाएं और बाकायदा खुद भी लाभान्वित हो, समाज का लाभ करें और देश की प्रगति करें। ऐसी मेरी सब लोगों से आग्रह रहा है और मैं सोचता हूँ ये एक बाकायदा सक्सेसफुल समिट है और इसमें सब लोग खुश हैं। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज झुंझुनू जिले के राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिलाध्यक्ष परमेश्वर सिंह शेखावत के नेतृत्व में विरोध दर्ज करवाया गया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाते हुए बताया कि 10 जनवरी से 14 जनवरी तक उनका यह विरोध जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगर सरकार समय रहते राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो 15 जनवरी को राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन कर आगे के रूपरेखा बनाई जाएगी। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 को राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर सभी जिले के मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। यह विरोध 14 जनवरी तक चलेगा। अगर सरकार फिर भी हमारी मांगे नहीं मानती है तो 15 जनवरी को प्रांतीय बैठक में भाग लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी।